हे गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इनइक्वालिटी राइजिंग, यानी ऐसा क्या है जिस वजह से अमीर आदमी और अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब बनता जा रहा है। तो चलो देखते हैं। मान लीजिए कि ग्लोबल पॉपुलेशन सिर्फ 100 लोगों का है और ग्लोबल इनकम 100 रुपए का है। दुनिया के सबसे अमीर 1% लोग यानी सिर्फ एक आदमी के पास इस ग्लोबल इनकम का 1/5 यानी 20 रुपए इनकम जाता है। वही दुनिया के सबसे गरीब 50% लोग यानी 50 लोगों के पास इस ग्लोबल इनकम का 1/10 यानी सिर्फ 10 रुपए इनकम ही जाता है। आज के दिन में ऐसी ही कुछ ग्लोबल इनइक्वालिटी दिखती है और ये इनइक्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पिछले 40 सालों में ग्लोबल इनकम 10% से 80% तक बढ़ा है, लेकिन इसके ही साथ हर देश में इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। एशिया में हुई सबसे ज्यादा ग्रोथ, पर्टिकुलरली इंडिया और चाइना में हुई ग्रोथ, ये दिखाती है कि बॉटम 50% पुअर लोगों के इनकम ग्रोथ दुनिया के इनकम ग्रोथ के सिर्फ 12% है। वही टॉप 1% लोगों की इनकम ग्रोथ दुनिया के इनकम ग्रोथ के 27% है। गरीब और अमीर लोगों में इतने बड़े इनकम डिफरेंस की वजह से बीच के मिडिल क्लास लोग बीच में ही रह गए। यूरोप और यूएस के 90% गरीब लोग इस मिडिल क्लास में आते हैं। दुनिया के टॉप 1% अमीर लोगों का ग्लोबल इनकम का हिस्सा 2008 से धीरे धीरे बढ़ी रहा है और साथ ही ग्लोबल इनकम में अमेरिका का हिस्सा भी बढ़ रहा है। इसका कारण 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंकों ने मिडिल क्लास और गरीब लोगों को पैसे डूब जाने के डर की वजह से लोन देना बंद कर दिया। इसकी वजह से उन लोगों को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ही नहीं रही। 2018 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के टॉप 10% अमीर लोग पूरे यूरोप का 37% इनकम लेते हैं। वही इंडिया में टॉप 10% अमीर लोग इंडिया का 55% इनकम लेते हैं। मिडल ईस्ट में तो ये नंबर 61% है। तो ये इनइक्वालिटी कैसे हुई? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से दुनिया में कई सारे जॉब्स जनरेट हुए, लेकिन कुछ सालों बाद रोबोट्स ने इन जॉब्स को खत्म कर दिया। वो ये जॉब्स थे जो मीडियम स्किल वर्कर्स करते थे। इस वजह से मिडिल क्लास लोगों के पास काम नहीं रहा और लो स्किल और हाई स्किल वर्कर के पास ही काम रहा, जिस वजह से इनकम गैप बढ़ गया। ये इनइक्वालिटी ग्लोबल मुद्दा तब बना जब फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी की बुक कैपिटल इन 21st सेंचुरी दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। इस बुक के हिसाब से पिकेटी बताते हैं कि वेल्थ और इनकम दो अलग चीजें हैं, जिनमें वेल्थ जो किसी आदमी की नेटवर्थ होती है वो इनकम के मुकाबले तेजी से बढ़ती है। इसका मतलब अमीर लोग और अमीर बनते हैं क्योंकि उनकी वेल्थ जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स तेजी से बढ़ते हैं किसी आदमी के सैलरी के मुकाबले। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जा सकता है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, PKT और कई सारे रिसर्चर्स ने मिलकर कई सॉल्यूशंस निकाले। उनमें से एक है टैक्सेस। ग्लोबल इनकम की तरफ जहां वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज 40% से भी ज्यादा टैक्स देती है, वही US सिर्फ 20% ही टैक्स देता है, जिस वजह से इनइक्वालिटी बढ़ने में मदद होती है। ऐसा माना जाता है कि टैक्स की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, लेकिन टैक्स की मदद से ही गवर्नमेंट इनइक्वालिटी कम कर सकती है। IMF के हिसाब से अमीर लोगों को ज्यादा इनकम टैक्स लगाने से उनकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग टैक्स पे नहीं करते। बहुत सारे लोग टैक्सेस बचाने के लिए अपने पैसे छुपा के रखते हैं। इसका सीधा असर इनइक्वालिटी पे पड़ता है। इनकम टैक्स नहीं देने की वजह से गवर्नमेंट गरीबों के लिए अच्छी सुविधा नहीं ला सकती, जैसे क्वालिटी एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोगों का ये मानना है कि इनइक्वालिटी की वजह से इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, लेकिन IMF की माने तो इनइक्वालिटी की वजह से ग्रोथ नहीं होती। इन सारी वजह से ग्लोबल इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और दुनिया में अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं और गरीब लोग और गरीब बन रहे हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करना और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।